नाउ गॉड द आइडिया ऑफ ग्रोइंग क्रॉप अब उसको आइडिया मिल गया था कि हम कैसे क्रॉप उगा सकते ठीक है इट माइड द सीड्स फ्रॉम केयरलेस देखो क्या होता था कि जैसे एनिमल्स वगैरह को फूड वगैरह खाते थे तो जहाँ पे वो जाके क्या करते थे अपना वेस्ट रिलीज करते थे वहाँ पे सीड्स गिर जाती थी और वो वहीं पर ग्रो करने लग जाती थी फिर अर्ली मेन्ट्स को आइडिया आया कि उन्हें पता चला कि सीड्स के थ्रू क्या हो रहा है प्लांट ग्रो हो रहा है तो उन्होंने क्रॉप उगाना स्टार्ट करा

जो सिकल है वो आपको कहाँ मिलती है न्यूल साइट्स में मिलती है जो क्या सजेस्ट करती है ढूंढने जाते थे और अब क्या हो गए थे वो फूड प्रोड्यूसर हो गए थे एग्रीकल्चर वॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन अब जो लाइफ थी अर्ली मैन की वो कैसे हो गई थी सेटल्ड हो गई थी अब उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना नहीं पड़ता था ठीक है दे स्टेड इन वन प्लेस एंड ग्रो क्रॉप्स दे बिल्ड हाउसेज उन्होंने हाउसेस बनाए मड के क्ले के और कहा फील्ड के आसपास उन्होंने फील्ड्स को कल्टिवेट करा एनिमल्स को हंट करा और टूल्स और वेपन्स बनाए दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट करा ठीक है ट्रेनिंग करी स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ये बिग ब्रेकिंग अचीवमेंट था अर्निंग होवर ये लाइफ में जो सबसे पहला एनिमल इन्होंने डोमेस्टिकेट करा था वो वाइल्ड डॉग था और न्यू न्यू टेन एज की बात हम करते हैं कि जो मैन था उसने डिस्कवर करे ऑल एनिमल्स वर नॉट डेंजरस सम क्या थे हम फॉरेस्ट को टेन करने उनका यूज करते थे और ये क्या बने हर्ड्समैन बने और एनिमल्स ने क्या करा एनिमल्स है शीप ने बोल प्रोवाइड करा हॉर्स ने और डंकी को टेम करा गया देखा ना आप हाँ डंकी पे या हॉर्म्स जो हॉर्सेज होते हैं उनके हम लोड्स वगैरह रख देते हैं एनिमल्स आर सोर्स ऑफ मीट और कुछ एनिमल्स क्या थे of... अब हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील इन्वेंशन ऑफ व्हील इन पीरियड टेनोलॉजी ब्रॉड अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इनवोवेंशन ऑफ व्हील से क्या वो यू की जो लाइफ थी वो ईजियर हो गई

बुर्ज होम इन जम्मू एंड कश्मीर मेहरगढ़ और कुछ और साइज अब हम टोर्स की बात करते हैं जो अपने बॉडी को देखा था मैंने बताया था आपको या तो फिर कोल्ड वेदर में स्किन और आपको ऐसा बताया था लीग से या बाप ऑफ ट्रीज से अपने बॉडी को कवर करते टोल्स ग्रेट इंप्रूवमेंट दिखाई देने थे टोल्स और वेपन में

इसमें जो डेड पर्सन था उन्हें एनिमल्स के साथ भी यूज करा जाता था एंड ही वॉज ऑल्सो वर्शिपर देखो जो हमारे को हम क्या तो करते थे ना डेथ के बाद उनके होते थे उनको वर्शिप पेंटिंग की बात करते हैं जो वॉल्स ऑफ हैव बीन डिस्कवर्ड ट्रेड पे आपको स्केचेस ऑफ एनिमल्स बर्ड्स और मैन देखने को मिलेंगे और आपको कुछ डेकोरेटिव मिलेंगे बाय कार्विंग बाई कार और उनपे डिजाइन को कार्व करते थे

वो वाटर सिस्टम से होता था मतलब गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता थे कुछ टाइम मनी ही नहीं था पीपल बिगिन टू एक्सचेंज सपन गुड एंड द पॉपुलर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस डिस सिंगिंग करते थे डांसिंग करते था, कर। popular, थे पेंटिंग करते ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थे उस पीरियड के टाइम नाउ बात करते हैं चालकोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन स्टोनिक जहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था सिक्स थाउजेंड ईयर ये, ये शॉर्ट स्पेन के लिए था मतलब चार हजार बी से

सबसे इम्पॉर्टेंट रूट्स इन टू इरान इट इज दर्लियस्ट नोट फार्मिंग और पेस्टोरल सेटलमेंट इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का पहला फार्मिंग और पेस्टोरल सेटलमेंट था द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट डेट बैक टू सेवन थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड यहाँ पे लोग ग्रो करते थे क्रॉप लियर करते थे एनिमल को जैसे शीप और वोट को फॉर दर्स्ट टाइम वाइल्ड एक्साक्टिंग द साइड दर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ मेनी का डेयर की पिक के गोट के और कैटल्स के बोल देखने को बंट ग्रेवस भी आए यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ ब्यूरल साइट्स भी हमें देखने को मिलती है जैसे कि आपको स्टोन एक्सेस ऑर्नामेंट्स लाइन स्टोन ठीक है फिगर्स ऑफ वुमेन एंड एनिमल्स भी डिस्कवर हुई थी पोइट्री वॉज डिस्कवर दिस पीरियड एंड एविडेंस ऑफ पोल्ट्री मैनुफेक्चरिंग भी ऑब्जर्व करी गई थी सेकेंड स्टेट में जो किसके बीच में थी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी टू फोर थाउजेंड एट हंड्रेड बी सी हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की

यहाँ पे आपको स्टोन टू और क्राम और किचन आइटम जैसे मॉडर्न पेस्टल्स और कॉर ग्राइंडर्स देखने को मिलते हैं ठीक है ऑन अदर फाइंड्स इंक्ल्यू जैडाइट स्टोन दैट माइट हैव बीन चाइना पोल्ट्रीज और, और ट्यूल्स जो थे वो किससे बने हुए थे फॉसिल बुक्स ये देखने को मिलते हैं ओपीडस्ट द चैप्टर दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू